नमस्कार दोस्तों, फिट मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में। बिना जिम किए घर में ही रहकर आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं, जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी पे आज हमने एक वीडियो बनाया है जो आपके लिए है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बॉडी वार्म अप कर लें, और बॉडी वार्म अप इसलिए किया जाता है कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, जिसे बॉडी में कोई स्ट्रेच ना है, बॉडी को चारों तरफ से फ्री कर ले, कमर ट्विस्ट कर ले थोड़ा इस तरह से, कमर को और थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल कर ले कि कमर पे कोई प्रेशर ना आए। और इस एक्सरसाइज से क्या होता है दोस्तों, हमारा बैकबोन भी फ्री हो जाता है और हमारा बॉडी हीट और फ्लेक्सिबल हो जाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट शुरू करते हैं चेस्ट से। देखिए दोस्तों, इसमें खास बात यह है एक्सरसाइज का कि दोनों हथेली के गैप हमारा वन शोल्डर गैप है और सीधा चेस्ट के पास है। दो नंबर एक्सरसाइज, इसमें देखिए दोस्तों, दोनों हथेली को मैंने थोड़ा वाइड रखा है, टू शोल्डर गैप किया है और सेम प्रोसेस इसमें भी दोस्तों। इससे हमारा क्या होता है, चेस्ट थोड़ा चौड़ा होता है। हर एक सेट के बाद दोस्तों 10 सेकंड का रेस्ट करें। ये तीन नंबर हमारा चेस्ट एक्सरसाइज दोस्तों। इसको करने के लिए दोस्तों किसी ऊंचे जगह का जरूरत पड़े, जैसे हम चेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी चीज़ को। इससे हमारा दोस्तों क्या होता है, अपर चेस्ट ब्रॉड होता है और ये अपर चेस्ट के लिए किया जाता है। इसमें भी दोनों हथेली का गैप और शोल्डर गैप होता है। अब ये दोस्तों बाइसेप। बाइसेप्स में देखिए दोस्तों, हथेली को हमने उल्टा घुमा लिया और जो हमारा एल्बो है वो दोस्तों कमर के सीधा में है, पास में है। इसे दोस्तों क्या करते हैं, एक पुशअप करते रहे, इसे भी करते हैं, लेकिन उल्टा हथेली का, जैसे हमारा बाइसेप को अच्छा हिट करता है और हमारा बाइसेप को ब्रॉड करता है। आइए दोस्तों चेस्ट बाइसेप का दो नंबर एक्सरसाइज। इसे दोस्तों किसी रबर ट्यूब के सहारे करते हैं। अगर आपके घर में कोई रबर ट्यूब है या मार्केट से ले लें या ऑनलाइन भी मिलता है दोस्तों, इसे हम लेके इस तरह से बाइसेप कर सकते हैं। अगर आपके पास रबर ट्यूब नहीं है तो इसे हम किसी वेट ईट से भी कर सकते हैं, किसी वेटेड चीज़ से कर सकते हैं। आइए दोस्तों दूसरे हाथ से करें सेम प्रोसेस। इससे हमारा क्या होता है, मसल्स को, बाइसेप मसल्स को बड़ा करता है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं ट्राइसेप। ट्राइसेप करने का देखिए दोस्तों, हथेली का मेरा ये देखिए दोस्तों, हथेली होना चाहिए डायमंड शेप में दोस्तों, इस तरह से देखिए। और दोस्तों इसका प्रोसेस ये है कि जब भी हम नीचे जाएं आस्ते और ऊपर उठते समय जो एक झटका में ऊपर आए, इससे मेरा क्या होता है, जो हमारा ट्राइसेप का बैक मसल से उसको हिट करता है और प्रोट होता है। इसको भी दोस्तों हम ट्यूब के सहारे कर रहे हैं, रबर ट्यूब के सहारे। रबर ट्यूब कहीं भी घर में जंग खिड़की या कहीं पे लगा दें और इस तरह से देखिए दोस्तों करें। देखिए इसको हाथ थैली को हमेशा सीधा रखें, इसे फोल्ड ना करें। इसे जब भी हम टान रहे हैं इसे तो फिर तब भी हमें इसे सीधा ले जाना है। और हमारा ट्राइसेप का तीन नंबर एक्सरसाइज, ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है दोस्तों एक कटिंग के लिए। देखिए इसको, इसमें एक प्रोसेस है, इसको जो बैक बोन है, बैक है देखिए दोस्तों, किसे कार्प में करना है और इसको भी एक झटके से नीचे टाने, इससे क्या होता है हमारा टाइट से बहुत अच्छा कटिंग आता है। ये हमारा चार नंबर टाइट से एक्सरसाइज। इसे एक हथेली से दोस्तों इस तरह से किया जाता है और दूसरे हाथ से तो सपोर्ट दिया जाता है, जितना हल्का सपोर्ट दिया जाता है जिससे सपोर्ट मिले और ये भी हमारा ट्राइसेप के बैक पोर्शन को हिट करता है और इससे भी हमारा कटिंग में
सहायता करता है, इसे बहुत अच्छे टाइसेप में कटिंग आता है। आइए दोस्तों अब शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं। देखिए दोस्तों शोल्डर एक्सरसाइज में हमारे बॉडी का ये देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर इसी इस तरह से करें दोनों हाथ को और माथे से इसको भी पुशअप के तरह कहता है, लेकिन इसमें दोस्तों माथ जो हमारा हेड है उसको ज़मीन में टच किया जाता है इस तरह से। ये हमारा दोस्तों क्या करता है हमारे शोल्डर पर फुल हिट करता है और शोल्डर हमका ब्रॉड करता है। ये देखिए दोस्तों किसी गमछा या किसी कपड़े के सहारे इस एक्सरसाइज को करें, ये बहुत ही आसान है और ये हमारा शोल्डर और बैक दोनों में कटिंग लाता है। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है दोस्तों बैक और हमारा शोल्डर के लिए। घर में रह कर ही बहुत आसानी से एक्सरसाइज किया सकता है। हम दोस्तों चलते हैं लेट्स। देखिए दोस्तों लेट्स में एक्सरसाइज का सबसे बड़ा खासियत है दोस्तों इसमें नी को टच ना करें, ये पुशअप जैसे किया जाता है पुशअप ही करें, किंतु दोस्तों बैक करते समय हमें पीछे की तरफ मूव करना है जिससे हमारा लेट पे पूरा प्रेशर पड़ता है और हमारा लेट को हिट करता है। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब दोस्तों चलते हैं एप्स। एप्स में दोस्तों यही एप्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका है दोस्तों आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे क्या होता है आप पैर को ऊपर लेंगे और नीचे लाते समय दोस्तों स्लो करके लाए, इससे हमारे क्या होता है लोअर एब्डोमेन जो है दोस्तों उसमें हिट करता है, इससे हमारा बहुत ही इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है हमारा जो लोअर एब्डोमेन जो फैट होता है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। इसे भी 3 सेट करें और 1 सेट के बाद 10 सेकेंड रेस्ट करें और 3 सेट के बाद आप 1 मिनट एक्सरसाइज रेस्ट करें। ये दोस्तों आप इस एक्सरसाइज को आप पीछे हाथ रखकर भी कर सकते हैं कि उसमें बैलेंस का जो होता है जो बिगिनर होते हैं उनके लिए असुविधा हो सकता है। आइए दोस्तों अब थाई करते समय दोस्तों देखिए हमारा शोल्डर के इक्वल मेरा हमारा जो पैर होता है उस पोजीशन में रखें और बॉडी सीधा रखें। आप इसे माथे पे हाथ भी रख सकते हैं या हाथ सामने भी कर सकते हैं और हमें फुल बैठना है जैसे चेयर पे बैठा जाता है। ये हमारे थाई का दोनों में थाई का मसल्स को हिट नहीं कर सकेंगे और हमारे लिए कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा थाई को। इस तरह से दोस्तों एक एक करके आप आगे पीछे पैर को और हमारा थाई का ये 3 नंबर और आखिरी एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों इसमें हमारा जो गैप पैरों का गैप है पर लंबा गैप लेते हैं और इस तरह से दोस्तों इसमें दोस्तों खास बात यह है कि हमारा जो सामने वाला पैर है दोस्तों उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए, हमारा सिर्फ जो पीछे का पैर है उस सिर्फ सपोर्ट होता है दोस्तों उस पर प्रेशर ना दे सामने पैर पे ही प्रेशर दे और दोनों पैर से 10-10 प्रेशर मारे दोस्तों। देखिए सेम उसी तरह से लेग चेंज करके भी इसे भी 3 सेट करें